हेलो एवरीवन, इट्स मी कुमार सोनल एंड वेलकम बैक टू ब्लॉग बर्ड्स। अभी मुझे लगा है बहुत ही तेज भूख और मैं आपको सबसे पहले वक्त दिखा देता हूँ। ये देखिए 8:25 हो रहा है अभी और मुझे बहुत ही तेज भूख लगा है। ये एक्चुअली इसलिए ना क्योंकि मैंने आज नाश्ता नहीं किया है और नाश्ता नहीं किया हूँ इसलिए भूख बहुत जबरदस्त लगा है। मैंने सिर्फ शरबत पिया था शाम में क्योंकि शाम में और कुछ खाने का ही मन नहीं किया, इस वजह से मैंने शरबत पिया और अभी लग रहा है भूख। तो आज ये देखिए बन रहा है आलू चॉप। ओहो, अरे हाँ हाँ, आप अगर हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा हम लोग एक बार बहुत ज्यादा आम तोड़े थे, है ना। ये देखिए हमने उस आम का क्या किया है, ये और भी बहुत सारा आम बचा हुआ है फ्रिज में, लेकिन अभी धूप नहीं है इसीलिए हम बना नहीं। लेकिन इतना भी तो बहुत ज्यादा है, ये कितना होगा किलो हिसाब से अगर देखा जाए तो? अच्छा, अंदाजा तो उतना बोल नहीं पाऊंगी। ओके, वैसे मुझसे रहा नहीं जा रहा इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ्रिज में कितना है। ये देखिए भरा पड़ा है बिल्कुल, और भी बहुत ज्यादा है। और भी है, ये देखिए यहाँ है, यहाँ हाँ, है हा? हाँ, और ये वाला प्लास्टिक उसके नीचे वाला प्लास्टिक। अच्छा वो वही है, मुझे लगा था सिर्फ वही दोनों, हालांकि वही दोनों ही काफी था। तो इसलिए देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी चीज जो लाते हैं पेड़ से तोड़ करके वो बेकार कर देते हैं या बस थोड़ा सा कंज्यूम करते हैं और बाकी फेंकाता है, ऐसा नहीं है। हम लोग पूरा का इस्तेमाल करते हैं और हमने चटनी भी बहुत ज्यादा खाया, चटनी, आम का शरबत, फिर छेचकी, बहुत कुछ खाए हैं। हाँ, और अचार तो आपने देख ही लिया, उसका भी अचार बनने वाला है। एक्चुअली कुछ टाइम से क्या है ना कि बारिश बारिश किया हुआ है मौसम, तो इसलिए अभी उसका अचार बनाना बाकी है। वो मीठा अचार बनेगा क्योंकि इधर खट्टा अचार है। वैसे वो वाला जब बनेगा तो वो भी आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। फिलहाल तो ये देखिए आलू चॉप निकल गया है, क्या बात है। मैं ना मुढ़ी के साथ खाऊंगा, ठीक तो भूख लगा हुआ है तो, और रात में कुछ खाऊंगा नहीं। ऐसे में भी ना रात में बोला जाता है कि बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, तो थोड़ा कम खाइए रात के टाइम पे, और दिन के टाइम पे ज्यादा खाना चाहिए। इससे मेटाबॉलिज्म भी सही रहता है और इससे क्या होगा ना कि आपकी बॉडी में फैट कम जमेगा, क्योंकि रात के टाइम पे बॉडी बहुत कम वर्क करता है, ना के बराबर, क्योंकि क्या करते हो आप, सोते ही तो हो, और दिन के टाइम पे बहुत ज्यादा वर्क रहता है। तो इसके लिए दो आलू चॉप और यहाँ पे छोड़ा गया है। वैसे आलू चॉप मुड़ी जो है बचपन के याद को एकदम ताजा कर देता है। अरे तुम्हारा तो बचपन का याद ताजा होता है, मेरा तो चित्रेश्वर वाला याद आ जाता है। एक नहीं बहुत सारा है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे आप जाओगे ना तो जनरली आप जहाँ पे भी जाते हो तो वहाँ क्या कि कुछ स्नैक्स वगैरह मिलता है, जैसे चाउमीन हो गया या फिर ठीक है मतलब आलू चॉप हो गया, समोसा हो गया, ये सब मिलता है। चित्रेश्वर मतलब वो डोमजुड़ी के पास में है, ठीक है, डोमजुड़ी मतलब मामा घर। वो अगर आपने नहीं देखा है वो ब्लॉग तो यहाँ पे टच करके आप देख सकते हो, वहां से चित्रेश्वर ज्यादा दूर नहीं है और हम लोग पहले जाया करते थे, अभी तो बहुत टाइम से गए नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बीच में गए ना, पहले क्या हर साल हम तो जाते थे, अभी तो खैर साल भर तक हमें जाना नहीं है, लेकिन फिर भी पूजा नहीं करेंगे लेकिन ऐसे में जा सकते हैं। तो अगर हम लोग गए ना तो वहाँ पे आपको जरूर दिखाएंगे कि कैसे आलू चॉप मुड़ी मिलता है। वहाँ का एक तो नो अनियन नो गार्लिक, हाँ, और दूसरा चीज इतना टेस्टी लगता है वो आलू चॉप, ठोंगा में दिया जाता है, ऐसे एक पत्ता का ढोंगा बनाया जाता है, उसमें मुड़ी और आलू चॉप और साथ में मिर्चा का भाजा। हाँ, हाँ, हाँ। और मेरा ना क्या होता था कि दो आलू चॉप में होता नहीं था क्योंकि मुड़ी का क्वांटिटी ज्यादा रहता था, तो मैं बाद में दो और आलू चॉप लेता था तो फिर मेरा पूरा पड़ता था। वैसे मुड़ी अब लेके आओ, और हाँ मिर्चा भुंजा तो है ना, और ये देखिए मिर्चा भुंजा भी है हमारा, तो मुड़ी और उसमें मिक्सचर है ना, ठीक है जनरली, लेकिन आलू चॉप के साथ मिक्सचर फिर मजा नहीं आएगा, मिक्सचर मत देना, आलू चॉप मुड़ी और मिर्चा भुंजा, बस मजा आ जाएगा, रात का खाना हो गया फिर हमारा। और क्योंकि ये भी चीज कहा जाता है ना कि तुरंत खा के तुरंत सोना नहीं चाहिए, अभी तो ज्यादा वक्त हुआ ही नहीं है, मैंने आपको दिखाया था 8:30 के ही आसपास हो रहा है, तो खा के आराम से अपना एडिटिंग का काम एक आध घंटे तक एकदम करता रहूंगा, इसके बाद जाके सोऊंगा। फिलहाल तो देखता हूँ कब तक मुढ़ी मिलेगा। हो गया, आपको दे रही हूँ, ठीक है, हम लोग का मुढ़ी का टीना। वैसे ये देसी मुढ़ी है, हाँ बस इतना काफी है, या थोड़ा सा और दे दो, थोड़ा सा और दे दो, अरे आलू चॉप भी है ना, कहीं कि हम अच्छा 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 खाएंगे नहीं, तब तब इतना ठीक है। और ये क्या है, बेगुनी? ओ हम बेगुनी बनाएंगे थोड़ा सा। अरे यार बनाओ, मुझे भी देना भाई, आप तो खाते नहीं हो। हाँ मैं उतना नहीं खाता, थोड़ा सा तो पोटैटो का कर दोगी क्या? नहीं अभी आलू चॉप में पोटैटो ही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पोटैटो कंज्यूम करेंगे, पेट देखो गमला होता था। वैसे हम लोग जब आम तोड़ के लाए थे ना तब मैंने वजन किया था अपने आप को, कितना हुआ था? मैं नहीं बोलूंगी। 84 पॉइंट समथिंग इनफैक्ट, मतलब अगर उसको हम लोग 85 अज्यूम करें तो फिर बस 15 किलो का ही और बात है। फिर मैं केजी में नहीं बताऊंगा अपना वेट, मैं बोलूंगा एक है क्या क्विंटल।
और ये देखिए फाइनली मैं बैठ चुका हूँ बेड पे ही, लेकिन मम्मी बहुत गुस्सा करती है बेड पे खाने से। बट अभी थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम है ना, तो इसके लिए नीचे बैठने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको तो पता है कि हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाने वाले लोग हैं नहीं। अरे सुनो, मुझे एक अचार देना ना, आलू चॉप को पहले मिला लेता हूँ। गर्मा गर्म है ये तो, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी दो और दो चार काफ़ी रहेगा। वैसे उन्होंने ठीक ही बोला कि इतना ही मुड़ी काफ़ी है, लेकिन मुझे भूख लगा हुआ था ना, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि और ज़्यादा चाहिए। नया वाला अचार ना? हाँ नया वाला, नया वाला। वाह वाह वाह। अरे ये सुनो, बना है वैसे अभी? इसको मैं बुला नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा रुकिए, मैं बुला दे रही हूँ, थोड़ा सा रुकिए, ठंडा होगा, थोड़ा सा 2 मिनट ठीक है, कोई बात नहीं है, 2 मिनट क्या, तुम 3 मिनट लो, तब तक मैं एक काम करता हूँ, इस आलू चॉप को चख के देखता हूँ। बहुत गर्म है, बहुत ही बढ़िया। और ये देखिए उस आम का अचार, क्या लग रहा है, मतलब तो अभी पूरा नहीं पका है, थोड़ा और पकेगा, वो जो धूप में जब पकाते हैं ना अचार के लिए, तो बस 2 ही दिन धूप में दिया गया है। इसमें बुला देती हूँ, कहीं वो छोटा है ना, गिरेगा, फिर इसमें डाल दूंगी। ठीक ठीक है, है, कोई मेरे को दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए उसमें डालते ही कितना ज्यादा हो गया मुड़ी। फाइनली देखिए मुड़ी मेरा मिक्स हो गया है, अब मैं खाता हूं। बहुत ही तगड़ा, वाह। अच्छा आप इधर ब्लॉग बना रहे हैं, मुझे लगा बुला रहे हैं, मैं बर्तन धोते धोते दौड़ के आई। अरे ना ना, मिर्चा का एक बाइट लेता हूँ। ज्यादा मिर्चा मत खाइए, पेट जलता है। फिर मेरा तो आज सुबह को मिर्चा खाई तो मेरा पेट जलने लगा, फिर मुझे शरबत पीना पड़ा उस जलन को ठीक करने के लिए। वाह, मिर्चा वैसे सही में थोड़ा समझ के खाना चाहिए, बट मुढ़ी के साथ अचार में लेता हूँ, मजा आता है। खैर आपको तो पता ही है कि खाते खाते बात करना ठीक नहीं है, तो मैं बहुत ही जल्द मिलता हूँ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप देखते रहिए व्लॉग बर्ड्स, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।